गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 7 इक्वेटोरियल रीजन्स द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट का टॉपिक नंबर 3 प्लांट्स तक पढ़ लिया था। आज हम लोग 4th टॉपिक पीपल स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4th टॉपिक पीपल। पीपल ऑफ वेरियस ट्राइब्स लिव इन दीज रीजन्स सच एज पिग्मीज इन सेंट्रल अफ्रीका, the nomads or lumets in the southern Philippines and the Amazonian Indians of South America। इन क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियों के लोग रहते हैं, जैसे मध्य अफ्रीका में पिग्मीज, दक्षिणी फिलीपींस में nomads, या उसको हम लोग lumets भी कहते हैं। nomads मीन्स होता है खानाबदोश, जो खाना की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, और दक्षिणी अमेरिका के अमेजोनियन भारतीय। द पीपल आर स्मॉल सो दे कैन मूव थ्रू द फॉरेस्ट ईजीली, लोग छोटे होते हैं यहाँ इसलिए वे आसानी से जंगल में आ जा सकते हैं। दे मेक देयर क्लोथ्स फ्रॉम मटेरियल्स अराउंड देम सच एज सॉफ्टेंड ट्री बार्क, वे अपने कपड़ों को अपने आसपास की चीज़ों से बनाते हैं, जैसे कि पेड़ों के नरम छाल। Their shelters are covered in waxy leaves to keep out the rain। इनके घर मोमी पत्तियों में, यानी मोम जैसे अपीयरेंस वाले पत्तों से ढके रहते हैं, ताकि उनके घर बारिश के पानी से बचे रहें। वे अपने घरों को बारिश की पानी से बचाने के लिए ऐसे पत्तों से अपने घर को ढक के रखते हैं। Some of the people are nomads, कुछ लोग खानाबदोश हैं यहाँ। Some are hunter gatherers, कुछ शिकारी हैं जो कि engaged है shifting agriculture में, यानी कृषि को स्थानांतरित करने में ये लोग बिजी हैं। Many people who live in rain forests use boats on rivers to travel around। बहुत सारे लोग हैं जो कि रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, यानी जो लोग रेन फॉरेस्ट में रहते हैं अधिकतर लोग बोट्स का यूज़ करते हैं नदियों में ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने 4th टॉपिक पीपल क्लियर किया है, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एनिमल्स स्टार्ट करेंगे।